मच्छर के काटने से होने वाले जापानी बुखार से सावधान रहने की जरूरत है, इसीलिए जापानी बुखार से बचाव के लिए 1 से 15 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस बीमारी से ग्रसित 25% बच्चों की मौत हो जाती है। भोपाल के जयप्रकाश चिकित्सालय के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीयूष पांचाल ने बताया कि यही वायरस बुखार है जो मच्छर के काटने से होता है। वायरस से केवल वैक्सीन द्वारा ही बचा जा सकता है। इस बीमारी में 25% बच्चों की मौत हो जाती है। जापानी बुखार के लक्षण सिरदर्द, जी मचलाना, उल्टी दस्त और झटके आना है। इससे बचाव के लिए 1 साल से 15 साल तक के आयु के बच्चों को सभी सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन अभी लॉन्च हुआ है। बेसिकली जो जेई है, ये एक वायरस होता है जो मच्छर क्यूलेक्स के काटने से होता है, और इससे जो वैक्सीन ही एकमात्र है जो इसको बचा सकता है। क्योंकि एक बार जेई हो जाता है तो एक तो मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, 5 से 25% में डेथ हो जाती है, और जो बचते भी हैं उनको डिसेबिलिटीज़ की संभावना बहुत होती है, क्योंकि एनकेफेला उन पर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एकमात्र इसका बचाव यही है कि उसको वैक्सीन लगाएं। पहले कम डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन अब एमपी के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हो गए, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के अंदर। अभी सिंगल डोज हम लोग लगाएंगे 1 से 15 साल तक, जैसे सर ने बताया करके, और सभी अभिभावक और जो बच्चे हैं उनसे अपील है कि इस बच्चे को ज़्यादा इस वैक्सीन को ज़्यादा ज़्यादा आके लगवाएं, और इसी से इसका बचाव किया जा सकता है। हमारे यहाँ पूरी तैयारियाँ हैं, जेई का टीका लगाया जाएगा, 1 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको लगाया जाएगा, 9 से 4 बजे तक लगातार लगेगा। इसमें जो सरकारी छुट्टियों को छोड़ कर हर दिन लगाया जाएगा, और सब बच्चों को मेरी सलाह भी है कि जो 1 से 15 साल के बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को सलाह है कि वो सब आएँ और हमारे यहाँ मुफ्त सेवा का लाभ उठाएं, और कुछ प्राइवेट अस्पताल भी चिन्हित करें सरकार ने, उनमें भी फ्री ही टीका लगाया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।